स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में और मैं हूँ दिव्यांशी। कुंडली भाग्य में पलकी और शनाया राजवीर के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। पलकी राजवीर द्वारा उपेक्षित महसूस कर परेशान हो जाती है। मोहित उसे इस बारे में चढ़ाता है कि लोग प्यार में कितना ध्यान चाहते हैं, जिससे पलकी शर्मा जाती है और राजवीर के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेती है। शनाया राखी और परिवार के दूसरे लोगों से मिलने के लिए लुथरा हवेली जाने का सुझाव देती है। इस बीच शौर्य सैंडी को फोन करता है और उसे ऑफिस पहुंचने के लिए कहता है, क्योंकि वे अपनी में विफल नहीं हो सकते हैं। सैंडी की आपत्तियों के बावजूद शौर्य उसके बताए रास्ते पर चलने पर जोर देता है। वहीं अगले एपिसोड में राजवीर बैठक के काम में तल्लीन होकर ऑफिस पहुंचता है। शौर्य ऑफिस के पास सैंडी से मिलता है और पैसों से भरी एक कार का खुलासा करता है, जो दर्शाता है कि उसने अपने ही परिवार से चोरी की है। सैंडी हैरान है, लेकिन शौर्य उससे पीछे न हटने के लिए कहता है। दोनों राजवीर को फंसाने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। वे एक ड्रग डीलर से मिलते हैं, पैसे के बदले ड्रग का आदान प्रदान करते हैं और ड्रग्स को राजवीर के कब्जे में देने की योजना बनाते हैं। हालांकि एक मुठभेड़ के कारण सैंडी ने ध्यान आकर्षित करते हुए दवाएं छोड़ दी, जिसके लिए शौर्य और सैंडी को ड्रग डीलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस खबर के कारण करण और ऋषभ सदमे में आ जाते हैं और राखी पलकी और शनाया स्तंभ रह जाते हैं। वहीं आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होने वाला है।